बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर जावेद इकबाल। लेट अस ट्रांसलेट शिमा सिनीज फेमस पोएम कास्टिंग एंड गैदरिंग। शिमा सिनी ने यह पोएम कैट यूज के लिए लिखी थी। इस पोएम की ट्रांसलेशन रबी इब्राहिम को डेडिकेट की जाती है। पोएम की ट्रांसलेशन से पहले पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। इस पोएम की कई सारी इंटरप्रटेशन हैं। टाइटल सजेस्ट करता है, टाइटल कास्टिंग एंड गैदरिंग का मतलब है कि ये पोएम काश्तकारी के मुतालिक है कि एक लम्हे बीज बोए जाते हैं, बीज फेंके जाते हैं और दूसरे लम्हे बीज फसल बनकर, बीजों की फसल बन जाती है और वो फसल तैयार हो जाती है और फिर फसल काटी जाती है अनाज की शक्ल में। तो एक लम्हे मेहनत की जाती है और दूसरे लम्हे उस मेहनत का फल मिलता है। तो एक लम्हे एक शख्स बीज बो रहा है, बीज फसल बीज खेतों में फेंक रहा है, तो दूसरे लम्हे हो सकता है कि कोई दूसरा शख्स अपनी फसल को काट रहा हो, अपना अनाज इकट्ठा कर रहा हो। तो ये कास्टिंग एंड गैदरिंग है, यानी कि जिंदगी इसी तरह चलती है कि एक लम्हे मेहनत की जाती है और दूसरे लम्हे मेहनत का फल हासिल किया जाता है। दूसरी इंटरप्रटेशन इसकी ये है कि नफ़ा और नुकसान जिंदगी के साथ साथ चलते हैं, लॉस एंड गेन, यानी कास्टिंग एंड गैदरिंग। एक लम्हे कोई शख्स कोई कारोबार करता है तो उसको हो सकता है नुकसान हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि जब वो आगे चलेगा तो अगले दिन उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये नफ़ा और नुकसान भी ज़िंदगी का हिस्सा है और इन पर पछताना नहीं चाहिए, इन पर मातम नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको कबूल करना चाहिए सच्चे दिल से और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। पोएम की तीसरी इंटरप्रटेशन ये है कि पोइट के मुताबिक एक दरिया के किनारे, दोनों दरिया के किनारों पर फिशरमैन खड़े हैं और वो मछलियां पकड़ने के लिए एक लम्हे एक फिशरमैन दरिया में जाल फेंकता है। वो जाल फेंक रहा है उम्मीद के साथ कि इसमें मछली आएंगी, लेकिन दूसरे किनारे पर खड़ा शख्स अपना जाल इकट्ठा कर रहा है और वो मछलियाँ इकट्ठी कर रहा है। तो एक इंटरप्रटेशन इसकी ये भी है। ये पोएम पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी है। इसकी फोर्थ इंटरप्रटेशन ये जाहिर करती है कि ये पोएम दुनिया के दो बड़े मुआशी निज़ामों पर समझौते के बारे में भी है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ऑफ द रिवर। जो दरिया की बाई साइड या दरिया का बायां किनारा है उस पर जो खड़े फिशरमैन हैं वो जाल फेंक रहे हैं, वर्किंग क्लास है, वो रिप्रेजेंट करते हैं सोशलिस्ट को या कम्युनिस्ट को, और दरिया की दाएं साइड पर, दाएं किनारे पर कुछ लोग खड़े हैं जो कि मछलियां दरिया से निकाल रहे हैं, वो कैपिटलिस्ट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पहले ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये दुनिया के दो बड़े मुआशी निज़ाम, सोशलिज्म या कम्युनिज्म, एक ही नाम है, दोनों का एक ही मतलब है, सोशलिज्म या कम्युनिज्म, और दूसरा नाम है कैपिटलिज्म। पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की। एक दुनिया का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है रॉसू, उसने कैपिटलिज्म की बड़ी तारीफ की है और वो कहता है कि कैपिटलिज्म में हर शख्स मुआशी तौर पर मुकम्मल आज़ाद होता है। वो अपना ज़ाती कारोबार करता है, ज़मीनें खरीद सकता है, वो हर किस्म का वो काम कर सकता है जो वो चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है, वो इनफरादी तौर पर जितना अमीर होना चाहे वो हो सकता है, वो किसी के ज़ेरे असर नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट का उसके साथ ताल्लुक नहीं होगा, और वो ये कैपिटलिज्म है, यानी आज़ादाना निज़ाम, यानी हर शख्स मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए। और दूसरा निज़ाम है जिसकी हैगल बड़ी तारीफ करता है, हैगल भी एक फिलोसोफर है, वो कहता है कि सोसाइटी ही सब कुछ है, इनफरादी शख्स की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि तमाम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और वो सारी मेहनत जो है वो स्टेट के हवाले होगी और स्टेट मजमूई तौर पर तमाम अपनी जो रियासत है, अपनी राया है, उसकी लाइफ के, उसके रहन सहन के, उसकी सारी ज़िंदगी की के गुजारने के अमल की जिम्मेदार होती है। तो ये दो बड़े निज़ाम दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं, सोशलिज्म या कम्युनिज्म रशिया और चाइना में है और ये भी बहुत तरक्की कर रहा है, और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म ब्रिटेन, USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बहुत से दुनिया के बड़े ममालिक हैं जिनमें कैपिटलिज्म चल रहा है
तो दोनों जो निज़ाम हैं इनके अपने अपने फ़वाद हैं, लेकिन इन दोनों निज़ामों के ज़रिए दुनिया तरक्की कर रही है। ताहम शिमस सीनी ये क्लेम करता है कि वो एक पॉलिटिकल पोइट नहीं है, लेकिन ये पोएम उसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ भी इशारा करती है। और दूसरी तरफ ये है कि ये पोएम वार एंड पीस की भी इंटरप्रटेशन करती है कि दुनिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन वो राय जंग की तरफ नहीं जानी चाहिए बल्कि वो अमल की तरफ, अमन की तरफ होनी चाहिए, और अल्टीमेटली वो कलेक्टिवली इंसानियत की फलाह के लिए होनी चाहिए। पोएम की लाइन बाई लाइन ट्रांसलेशन करते हैं ताकि हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। Years and years ago, सालों पहले या सदियों पहले, बहुत साल पहले, these sounds took sides, ये आवाज़ें दो तरफ़ा हो गई, ये दो तरफ से आवाज़ें आने लगी। these sounds took sides, दो तरफ से ये आवाज़ें आने लगी, यानी दो तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो गई, यानी दुनिया के दो निज़ाम बन गए, एक कैपिटलिज्म और दूसरा सोशलिज्म या कम्युनिज्म। Years and years ago, these sounds took sides, सालों पहले दरिया के दोनों किनारों से ये आवाज़ें आती थीं। On the left bank, दरिया के बाएं किनारे पर, बैंक मीन किनारा, दरिया के बाएं किनारे पर अ ग्रीन सिल्क टेपर्ड कास्ट, एक सब्ज रंग का सिल्क का गुंबद नुमा जाल फेंका गया। ग्रीन सब्ज रंग का सिल्क, सिल्क का बना हुआ टेपर्ड गुंबद नुमा या मखरूती शक्ल का जाल कास्ट फेंका गया। दरिया के बाएं किनारे पर सिल्क का सब्ज रंग का मखरूती जाल फेंका गया। कास्ट मीन फेंका जाना, टेपर्ड मीन मखरूती शक्ल का जाल, नेट। ऑन द लेफ्ट बैंक अ ग्रीन सिल्क टेपर्ड कास्ट, दरिया के बाएं किनारे पर सब्ज रंग का सिल्क का मखरूती जाल फेंका गया। वेंट विस्परिंग थ्रू द एयर, और जब वो जाल फेंका गया तो वो हवा में सरगोशियां करता हुआ, सरसराती हुई आवाज़ निकालता हुआ जा रहा था। विस्परिंग मीन सरगोशी करना, आहिस्ता से आवाज़ें निकालना। सेंग, और जाल से आवाज़ आ रही थी हुश एंड हश एंड लश, हश एंड लश की आवाज़ें आ रही थी जाल में। अलामती तौर पर इसका मतलब ये है, हश का मतलब चुप हो जाना, खौफ खाना, डरना, लश का मतलब है उम्मीद रखना, यानी जाल फेंका गया मछलियां जाल में ना आने के खौफ के साथ, और मछलियों का जाल में आने की उम्मीद के साथ जाल फेंका गया। Entirely free, और ये आवाज़ मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी, यानी जाल जब फेंका गया तो जाल के फेंकने की जो आवाज़ थी वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी। No matter whether it swished above the hayfield or the river, बग़ैर ख़ातर में लाए बग़ैर ये आवाज़ गुजरती गई बरसीम के खेतों के ऊपर से भी या दरिया के ऊपर से भी, दूसरे किनारे तक भी ये आवाज़ जा चली गई बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, आज़ादाना तौर पर। हेफील्ड यानी बरसीम का खेत, जो कि खेत में हे का मतलब है कि वो चारा जो बरसीम वगैरह जो काट कर मवेशियों को डाला जाता है, तो वो चारे के खेतों के ऊपर से भी और दरिया के ऊपर से भी आवाज़ गुजरती गई। स्विश्ट का मतलब है सरगोशी करती हुई, सरसराती हुई आवाज़। तो सालों पहले दरिया के दोनों किनारों से ये आवाज़ आती थी, दरिया के बाएं किनारे पर सब्ज़ रंग का सिल्क का मखरूती जाल फेंका गया, जो कि हवा में से सरगोशियां करता हुआ गुजर रहा था और हश एंड लश की आवाज़ निकालता था, यानी डर और उम्मीद की आवाज़ के साथ, और ये आवाज़ मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी, और ये आवाज़ बरसीम के खेतों के ऊपर से और दरिया के ऊपर से दूसरी तरफ तक आज़ादाना तौर पर सरसराती हुई जा रही थी।
यानी जाल एक दरिया के किनारे पर जाल फेंकने की मुकम्मल तस्वीर कशी की है शायर ने। ऑन द राइट बैंक, अब दाएं तरफ वाली दरिया की किनारे पर, ऑन द राइट बैंक दरिया के दाएं तरफ वाले किनारे पर, लाइक अ स्पीडेड अप कॉर्न क्रैक, एक तेज दौड़ते हुए कॉर्न क्रैक की तरह। ये कॉर्न क्रैक वेस्ट में, मगरब में, ये एक परिंदा है, इस तरह का ये परिंदा होता है, बड़ा खूबसूरत सा, इसको कॉर्न क्रैक कहते हैं, और ये मार्शी दलदली इलाकों का ये परिंदा है। जिस तरह दलदली इलाकों में कॉर्न क्रैक परिंदा दौड़ता है, इस तरह की आवाज़ें राइट किनारे पर, दरिया के दाएं किनारे पर से आती थी। अ शार्प रैकेटिंग, एक तेज़ मशीनों के चलने की आवाज़, शार्प तेज़ रैकेटिंग मशीनों के चलने की आवाज़, खेप्ट ऑन एंड ऑन, मसलसल तौर पर चलती जा रही थी। यानी कि दरिया के दाएं किनारे पर जिस तरह कॉर्न क्रैक परिंदा उड़ता है तेज़ी के साथ फड़फड़ा कर, इस तरह की तेज़ मशीनों के चलने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी दरिया के दाएं किनारे पर। यानी दरिया के बाएं किनारे पर जो दरिया में जाल फेंक रहा है एक फिशरमैन, उसकी एक्टिविटी की और हे फील्ड और खेतों की और दरिया के ऊपर जो लोग हैं बैठे मुख्तलिफ मछलियाँ पकड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, उन लोगों की आवाज़ आ रही है। तो ये जो लेफ़्ट बैंक है ये रिप्रेजेंट कर रही है सोशलिस्ट को, यानी कि कम्युनिस्ट लोगों को जो कि मेहनत कश लोग हैं, और दरिया का दाया किनारा जो है ये कैपिटलिस्ट लोगों को, मशीनरी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिस पर मशीनों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। कटिंग अक्रॉस द स्टिलनेस, और ये उस खामोशी को तोड़ रही हैं, ये मशीनों की आवाज़ खामोशी को तोड़ रही हैं। एज अनदर फिशरमैन गैदर्ड लाइन लेंथ, जब दूसरा कोई फिशरमैन दाएं किनारे पर बैठा अपनी लाइन, अपनी मछली पकड़ने वाली लाइन को, रस्सी को वो खींच रहा था, ऑफ हीज रील, और अपनी रील के ऊपर लपेट रहा था। बाएं किनारे पर भी फिशरमैन मछलियां पकड़ रहे हैं, दरिया के दाएं किनारे पर भी मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन बाएं किनारे वाले लोग जो है वो मजदूर भी हैं, जबकि दाएं किनारे वाले लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, कैपिटलिस्ट्स हैं, और उनके यहाँ मशीनें भी चल रही हैं। गैदर्ड, लपेटना, इकट्ठा करना, लाइन लेंथ, मछलियाँ पकड़ने वाली डोरी, रील का मतलब है जिस पर डोरी लपेटी जाती है, ये इस तरह की रील जिस पर डोरी लपेटी जाती है। तो ऑन द राइट बैंक, दरिया के दाएं किनारे पर, लाइक अ स्पीडेड अप कॉर्न क्रैक, एक तेज़ दौड़ते हुए दलदली इलाके के परिंदे कॉर्न क्रैक की तरह, अ शार्प रैकेटिंग, एक तेज़ मशीनों के चलने की आवाज़, केप्ट ऑन एंड ऑन, मुसलसल चल रही थी, मुसलसल मशीनों के चलने की आवाज़ आ रही थी। कटिंग अक्रॉस द स्टिलनेस, और ये खामोशी को तोड़ रही थी, स्टिलनेस खामोशी। एज अनदर फिशरमैन गैदर्ड लाइन लेंथ ऑफ हिज रील, जब दाएं किनारे पर एक और फिशरमैन, एक और मछेरा अपनी मछलियां पकड़ने वाली डोरी को अपनी रील के ऊपर लपेट रहा था, यानी मछलियां कट्टी कर रहा था, पकड़ रहा था। बाएं किनारे पर जाल फेंका जा रहा है, दाएं किनारे पर मछलियां पकड़ी जा रही हैं, यानी बाएं किनारे पर कास्टिंग हो रही है, दाएं किनारे पर गैदरिंग हो रही है। आई एम स्टिल स्टैंडिंग देयर, मैं अभी भी वहाँ खड़ा हूँ, अवेक, बिल्कुल जाग रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बिल्कुल वाकफ हूँ, अवेक मीन वाकफ होना, पता है मुझे, मैं अभी भी वहाँ खड़ा हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर वाकफ हूँ, एंड ड्रीमी, और मैं मुकम्मल तौर पर तसव्वुर रखता हूँ, सोच रखता हूँ, ख्याल रखता हूँ। ड्रीमी का मतलब यहाँ पर इमेजिनेशन होना, तखय्युल होना, अकल रखना, ख्याल होना। मैं मुकम्मल तौर पर जानता हूँ और समझता हूँ, मैं अभी भी वहाँ खड़ा हूँ। आई हैव ग्रोन ओल्डर, मैं अब मैच्योर हो चुका हूँ, मैं अब ओल्ड हो चुका हूँ, मुझे बातों का मुकम्मल तौर पर पता चल गया है। अब मैं ग्रोन ओल्डर का मतलब अब मैं मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो चुका हूँ। एंड कैन सी देम बोथ, और मैं उन दोनों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। कैन सी का मतलब यहाँ पर समझना, और मैं इन दोनों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मूविंग देयर आर्म्स, अपने बाजुओं को हिलाते हुए, यानी लेफ्ट बैंक वाले लोग अपने बाजुओं को हिलाकर जाल फेंक रहे हैं। एंड रॉड्स, और दाएं किनारे पर लोग रॉड्स यानी के मशीनी आलात,
टूल्स के जरिए काम कर रहे हैं और दोनों ही साइड्स पर लोग काम कर रहे हैं। मैं दोनों को समझ सकता हूँ अच्छी तरह से, मैं इनका तसव्वुर रखता हूँ, इनका इनकी सोच मुझे पता है, इनके बारे में मैं जानता हूँ और मैं बड़ा मैच्योर हो चुका हूँ। वर्किंग अवे, और ये दोनों काम कर रहे हैं। ईच वन अब्सॉर्ब्ड, हर कोई अपने काम में मगन है। अब्सॉर्ब्ड का मतलब मगन होना, जज्ब होना, अपने काम में से ही काम रखना। हर कोई अपने काम में मगन है। प्रूफ्ड बाई द साउंड्स ही इज़ मेकिंग, और उस साउंड से भी बेखबर है जो वो साउंड्स पैदा कर रहा है, यानी जो फिशरमैन जाल फेंक रहा है उसको भी अपने साउंड्स की परवाह नहीं है, जो मशीनें चल रही हैं दाएं तरफ वाले किनारे पर उन लोगों को भी उस उन साउंड से कोई सरोकार नहीं है, वो उनसे प्रूफ्ड है, बेखबर है और वो अपना काम कर रहे हैं। बाएं किनारे पर भी फिशिंग हो रही है, दाएं किनारे पर भी फिशिंग हो रही है। अब्सॉर्ब मीन वैसे तो जज़्ब होना है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बिजी होना, मगन होना, और प्रूफ का मतलब है बेखबर होना, यानी कि परवाह ना करना। क्योंकि दरिया के दोनों किनारों पर दो निज़ामों को रिप्रेजेंट किया गया है, बाएं किनारे पर सोशलिज्म या कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट किया गया है और दाएं किनारे के लोगों को अटैच किया गया है कैपिटलिज्म के साथ। तो अब एक किनारे से आवाज़ आती है, वन साउंड सेज, सेइंग, एक किनारे से आवाज़ आ रही है, यू आर नॉट वर्थ ट्रिपेंस, तुम्हारी औकात तो दो पैनी से भी ज़्यादा नहीं है। वर्थ मीन औकात, तुम्हारी अहलियत, तुम्हारी वैल्यू। टू पेंस, टू थेपेंस मीन टू पेंस, पेनी यूरोप में एक करेंसी का नाम है, तो जैसे दो रुपए कह सकते हैं, दो पेनी, तो तुम्हारी एक तरफ से आवाज़ आती है कि तुम्हारी वैल्यू दो पेनी से भी ज़्यादा नहीं है, यानी इंडिविजुअली तुम कुछ भी नहीं हो, सोशलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट नीदर इज़ एनी बॉडी, कोई भी शख्स इनफरादी तौर पर कोई वैल्यू नहीं रखता सोशलिज्म के हवाले से, बल्कि सोसाइटी ही सब कुछ है। वॉच इट, इसको देखो, बी सेवर, और बस सख्त मेहनत करो। तो इनफरादी, यहाँ पर सोशलिज्म की नुमाइंदगी की गई है, एक तरफ से ये आवाज़ आ रही है, दरिया के किनारे से ये आवाज़ आ रही है कि तुम्हारी इनफरादी तौर पर कोई वैल्यू नहीं है, तुम कलेक्टिवली ही सब कुछ है, सब कुछ हो, तुम अकेले कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी अकेले कोई वैल्यू नहीं, दो पैनी से भी ज़्यादा वैल्यू तुम्हारी नहीं है, किसी शख्स की भी नहीं है, बल्कि अगर तुम सोसाइटी बनकर रहोगे तो सोसाइटी में स्टेट आपकी रखवाली करेगी, आपकी देखभाल करेगी और सब कुछ आपके लिए करेगी, तो वो स्टेट ही सब कुछ है, रियासत ही सब कुछ है, सोसाइटी ही सब कुछ है। द अदर सेज, और दूसरे किनारे से ये आवाज़ आती है, गो विद इट, अपना काम आज़ाद होकर करो, जाओ तुम आज़ाद हो काम करो, गिव एंड सर्व, छोड़ दो, और तुम्हारा इस सोसाइटी के साथ कोई सरोकार नहीं है, तुम्हारा उनको तुम कुछ ना कहो, गिव, छोड़ दो, एंड सर्व, और तुम्हारा सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तुम इनफरादी तौर पर ही सब कुछ हो, इनफरादी तौर पर काम करो। सवाब का मतलब है किसी को हिट ना करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, बल्कि तुम अपना काम आप करो और तुम्हारा किसी के साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ नहीं होना चाहिए, ना ही तुम्हें किसी ने कोई फ़ायदा पहुँचाना है, ना ही नुकसान पहुँचाना है, तुमने अपनी मेहनत खुद करके इनफरादी तौर पर ऊपर आना है, यानी कैपिटलिज्म की नुमाइंदगी की गई है, सरमायाकारी निज़ाम। द अदर सेज, गो विद इट, तुम जाओ अपनी मेहनत करो, गिव, छोड़ दो बाकी लोगों को, एंड सर्व, और उनको नुकसान ना पहुंचाओ, यू आर एवरीथिंग, तुम ही सब कुछ हो, यू फील बिसाइड द रिवर, जो तुम इस साइड पर, रिवर के इस साइड पर जो तुम महसूस करते हो, तुम ही सब कुछ हो, इनफरादी तौर पर तुम्हें दूसरों के साथ सरोकार नहीं होना चाहिए। तो दुनिया के दो बड़े मुआशी निज़ामों के बारे में यहाँ पर हमें इशारा मिलता है कि दरिया के एक किनारे से आवाज़ आती है कि तुम्हारी अकेले इन तनहा कोई औकात नहीं है, सोसाइटी ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, एज अ नेशन ही तुम सब कुछ हो, जबकि दूसरे किनारे से आवाज़ आती है कि नहीं, तुम इनफरादी तौर पर ही सब कुछ हो, तुम्हारा सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तुम अपनी मेहनत खुद करके तुम तरक्की करो, यानी एक तरफ से सोशलिज़म की आवाज़ आ रही है और दूसरी तरफ से कैपिटलिज़म की आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट, I love hushed air, मैं पुरसकून फ़ज़ा को पसंद करता हूँ, पुरसकून फ़ज़ा से मोहब्बत करता हूँ, hushed mean पुरसकून, पुरअमन। I trust contrariness, लेकिन मैं लोगों के इख्तलाफात पर भी यकीन रखता हूँ, इख्तलाफी राय पर भी यकीन रखता हूँ।
क्योंकि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुसन है, तो मैं कंट्रेरीनेस यानी इख्तलाफ राय पर भी मैं यकीन रखता हूँ कि दोनों निज़ाम ठीक है, कैपिटलिज्म भी तरक्की कर रहा है, कम्युनिज्म या सोशलिज्म भी तरक्की कर रहा है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म के हवाले से हम रशिया और चाइना को देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और कैपिटलिज्म के हवाले से हम वेस्टर्न वर्ल्ड के दूसरे कई ममालिक, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इस तरह के ममालिक को भी देख सकते हैं जो कि कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। तो मैं जो इख्तलाफ राय पर यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं अमन से मोहब्बत करता हूँ, हश्ट एयर मीन पुरअमन फ़जा से मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं इख्तलाफ राय पर भी यकीन रखता हूँ कि इख्तलाफ राय जो है ये जमहूरियत का हुसन है और ये इंसानी फलाह बहबूद और तरक्की में आगे की तरफ जाने का एक रास्ता है। कंट्रेरीनेस, इख्तलाफ राय पर भी मैं यकीन रखता हूँ। ईयर्स एंड ईयर्स गो पास्ट, साल हा साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं अपनी जगह से नहीं हिल पाया, यानी मैं ना तो कैपिटलिज्म की तरफ जा सका ना ही मैं सोशलिज्म की तरफ जा सका, मैं अपनी जगह पर ही मौजूद हूँ। फॉर आई सी दैट, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि When one man casts the other gathers, कि जब एक शख्स बीज फेंकता है या जाल फेंकता है तो दूसरा शख्स फसल या अनाज काटता है या वो मछलियां पकड़ता है, यानी कि कैपिटलिज्म वाले भी काम करते हैं और मेहनत करते हैं और हासिल करते हैं, चीजें हासिल करते हैं, और सोशलिज्म वाले भी, अगर एक लम्हे सोशलिज्म वाले बीज फेंक रहे हैं या जाल फेंक रहे हैं तो दूसरी तरफ जो कैपिटलिज्म वाले हैं वो अनाज इकट्ठा कर रहे हैं या मछलियां पकड़ रहे हैं। तो एक तरफ जब एक काम हो रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा काम हो रहा है, तो ओवरऑल फायदा तो इंसानियत का ही है दोनों साइडों पर, बस काम में फर्क है। एंड देन वाइस वर्सा, और फिर इसी तरह, यानी कि अगर बाएं किनारे वाले लोग का जाल फेंक रहे हैं तो दाएं किनारे वाले लोग मछलियां पकड़ रहे हैं दरिया के, अगर दरिया के बाएं किनारे वाले लोग मछलियां पकड़ रहे हैं तो दरिया के दाएं किनारे वाले हो सकते हैं उसी लम्हे जाल फेंक रहे हों। तो ये दोनों ही निज़ाम, दोनों ही बातें जो है ये इंसानियत के फायदे के लिए हैं। विदाउट चेंजिंग साइड्स, और वो दोनों साइड्स पर जो फिशरमैन खड़े हैं, यानी कि दोनों जो निज़ाम है ये अपनी साइड्स नहीं बदलते, एक दूसरे के जो पॉइंट्स हैं या एक दूसरे के जो आर्गूमेंट्स हैं उनको वो नहीं मानते, बेशक अपनी अपनी साइड्स पर खड़े हैं, लेकिन वो दोनों ही अपनी साइड्स चेंज किए बगैर, अपनी साइड्स बदले बगैर बाएं किनारे वाले भी फायदा उठा रहे हैं और दाएं किनारे वाले भी फायदा उठा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम की सिंपल सी ट्रांसलेशन थी, और ओवरऑल अगर हम डोमिनेंट थीम देखें इस पोएम का तो वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में ही है। तो इस पोएम की इंटरप्रिटेशन हम जरा इंग्लिश में भी थोड़ी सी देख लेते हैं। टाइटल के हवाले से अगर हम देखें तो कास्टिंग एंड गैदरिंग सिग्निफाइज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन, फसल काश्तकारी के प्रोसेस को सिग्निफाई करता है कास्टिंग एंड गैदरिंग। कास्टिंग मतलब बीज फेंकना, गैदरिंग का मतलब अनाज इकट्ठा करना। कास्टिंग मीन्स थ्रोइंग एंड गैदरिंग मीन्स हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन अनाज इकट्ठा करना, फसल काटना। परहैप्स हीनी वांट्स टू यूज द पैराडॉक्स ऑफ कल्टीवेशन टू टॉक अबाउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशलिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्टीवेशन प्रोसेस ही सीज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट आर द कैपिटलिस्ट्स आर द एंड द सोशलिस्ट। दिस पोएम शोज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। द पर्पज ऑफ बोथ पार्टीज इज सेम एज द वेल बींग ऑफ ह्यूमैनिटी। शीमस हीनी यूज्ड द वर्ड्स हश एंड लश, मीन्स फियर ऑफ वार एंड होप ऑफ प्रोग्रेस। दिस इज द जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पोएम। देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट लॉस एंड गेन। इट इज जनरल कंसेप्ट, समटाइम्स वी लूज अ थिंग, समटाइम्स वी गेन इट। Life goes on this way. Everyone witnesses this general principle. Cast and gather, throw and harvest means loss and gain. Till end, this general principle will be followed. It is important to mention here that
दिस कंसेप्ट हैज एम्बिग्विटी. इफ लाइफ इज द नेम ऑफ लॉस एंड गेन देन वन शुड नॉट मॉर्न ऑन लॉस. पछताना नहीं चाहिए नुकसान पर. सिमिलरली ही शुड नॉट सेलिब्रेट ऑन गेन. अगर वो कुछ हासिल करता है तो उसको सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहिए. However, if this general principle is followed, then it is the best way to spend a peaceful and happy life. At last, but not least, Casting and Gathering emphasize on the importance of compromise and promotes the philosophical idea of making adjustments. यानी कि adjust होना चाहिए दोनों सूरतों में. अगर आप loss कर रहे हैं तब भी आपको adjust करना चाहिए, gain कर रहे हैं तब भी. तो अगर आप बीज बो रहे हैं तब भी आपको adjust करना चाहिए, और जब आप बीज हासिल कर रहे हैं, अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, तब भी आपको adjust करना चाहिए. आपको पछताना या रोना धोना नहीं चाहिए. In a nutshell, अगर हम कंक्लूड करें तो श्रीमद सीनी हैज रिपीटेड द हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड. आयरलैंड की हिस्ट्री भी रिपीट की है इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये वार के बारे में और पीस के बारे में भी बातें करता है. लाइक अदर पोएम्स, दिस पोएम टू ही टॉक्स इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. हीज व्यूज आर कंसिडरेबल. ही डिवोर्स पीस एंड डज नॉट वॉन्ट वार. द कंफ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज इज अ रेजिस्टेंस टू प्रोग्रेस. लेकिन इस कंफ्लिक्ट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लड़ाई या वार जंग हो, बल्कि प्रोग्रेस होनी चाहिए. मोर ओवर दे आर मेकिंग द एटमोसफियर ऑफ वार. तमाम कन्फ्लिक्ट जो है ये एटमोसफियर वार का बनाते हैं. विच इज नॉट वाइज चॉइस. ही लव्स हीज कंट्री एंड हीज फेलो मैन. अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करता है वो. ही वॉन्ट्स दियर वेलफेयर. आखिरी जो सेंटेंस है यही सब कुछ बयान करता है कि हीनी जो है वो ओवरऑल कहता है कि बेशक दो पॉलिटिकल निज़ाम हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कंट्री आइडियाज़ हैं, इख्तलाफ राय हैं, लेकिन वो सब के साथ वो कहता है कि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं. दरिया के दाएं किनारे वाले भी, दरिया के बाएं किनारे वाले भी, दोनों लोग ही ठीक हैं और दोनों ही तरक्की कर रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इख्तलाफ राय जो है वो जंग की तरफ सूरत हाल को ले जाए, बल्कि वो कहता है कि इख्तलाफ राय को ह्यूमन वेलफेयर की और दुनिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर आप लोगों को किसी किस्म का भी इशू हो पोएम के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अपना ख्याल रखिएगा. स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.